ओम शांति। सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को धन्यवाद जो मुझे इस पुण्य कर्म में सहयोगी बनाया, और शिव बाबा को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। दादी जानकी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो भारत सरकार की स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर थी। ब्रह्मा कुमारी के ग्राम विकास प्रभाग ने भारत सरकार एवं मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया और जागृत किया। इस प्रकार अभी आत्मनिर्भरता के विषय पर जो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा इसका प्रसार प्रचार भी किया जा रहा है, अध्यात्म द्वारा आत्मनिर्भरता विषय को लेकर जागृति लाई जा रही है, इसके लिए भारत सरकार की ओर से मैं ब्रह्मा कुमारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे भी आत्मनिर्भरता शब्द ही आत्मा से जुड़ा है। आत्मा स्वार्थ स्वयं को जानने वाला वह एक शक्ति है जो वास्तव में ऐसे शक्ति के पुरुष के रूप में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इस पवित्र काम के अंदर लगे हुए हैं। भारत सरकार भी सहयोग कर रहा है और साथ ही हमारे देश के युग पुरुष सेवाभावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी इसी पुण्य कार्य के अंदर लगे हुए हैं। इस अवसर पर मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और ऐसे पवित्र काम के अंदर हम सब लगे हुए हैं। आज इस देश को आत्मनिर्भर बनाना हम सब की जिम्मेवारी है, और इस पुण्य कार्य को ब्रह्मा कुमारी जी को भी निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्मा कुमारी के उस आश्रम में आया और मैंने वहां पर जो आध्यात्मिक द्वारा कृषि करते हुए मैंने जब मेरी आंखों से देखा तो वास्तव में उस जगह पर जाकर बैठने से भी एक सुकून मिलता है। ऐसी कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मा कुमारी प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं और हमारे देश के किसान भी कर रहे हैं और हमारे देश के साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं कि नई तकनीकी के बीज भी आए और अधिक से अधिक हमारा देश के अंदर उत्पादन भी हो और किसान समृद्ध हो, इसकी ओर हम सब प्रयास कर रहे हैं। आज एक देश एक बाजार होने की वजह से किसान अपने उत्पादन को दूसरी जगह दूसरे राज्यों के अंदर बेच सकता है और मंडी टैक्स भी उसके ऊपर नहीं लगेगा। आज बाजार पूरा खुल गया, नहीं तो किसान अपने सिर्फ उस मंडी तक ही बेच सकता था, इस तरह का बड़ा फैसला हुआ। इसके साथ ही कमोडिटी एक्ट भी पास हुआ, और इसके अंदर जिस तरह से ऐसे हमारे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इस एक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि अब अनाज दलहन तिलहन और प्याज आलू इन सब के ऊपर अब स्टॉक करने की भी छूट होगी और इसको मुक्त कर दिया है, इसके ऊपर अब कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। और इसके लिए जिसमें निजी निवेश अत्यधिक होगा और भय से मुक्त किसान भी होगा और व्यापारी भी होगा, इसके उत्पादन और भंडारण और ढुलाई वितरण और आपूर्ति करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव हो जाएगा। इससे कृषि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष निवेश विदेशों को आकर्षित किया जा सकेगा और इससे आने वाले टाइम के अंदर किसान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो मैं आपसे यही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंदर जिस तरह से फसल बीमा था उसको भी स्वैच्छिक किया गया, और जहां जो हमारी ईनाम मंडी थी उस ईनाम मंडी के अंदर भी जहाँ 585 ईनाम मंडियां जुड़ी हुई थी उसको बढ़ाकर अब 1000 मंडियां इससे जोड़ दी गई है, और जहां जीरो बजट फार्मिंग के लिए भी बजट के अंदर प्रावधान किया गया और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य लिया गया,
10,000 FPO जब बनेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे किसान अपने खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा, किसान संगठित होकर अपने उत्पादन को प्रोसेसिंग करके और वो पैकिंग करके और मार्केट के अंदर बेचेगा, तो निश्चित रूप से उसको रेट निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होगा। वरना आज क्या होता है, जब वो मंडी के अंदर बेचने के लिए जाता है फसल अपनी, तब उसकी रेट वो किसान स्वयं तय नहीं करता, उसकी रेट कोई व्यापारी तय करता है। किसान को यह अधिकार नहीं कि वो रेट अपनी स्वयं तय करे, लेकिन जब 10,000 FPO बनेंगे तो उस FPO के अंदर किसानों को सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी और जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे उसमें उससे, और ये सारे काम भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि किसानों के लिए किसान रथ ऐप भी प्रारंभ किया है। उस ऐप के माध्यम से किसान को ट्रक अगर लाना है तो वो उसके सीधे खेत के अंदर आएगा, जिस तरह से ओला और उबर में सिस्टम है, उसी तरह इस ऐप के अंदर लगभग 10 लाख ट्रकों को जोड़ा गया है और उसके साथ ही 2 लाख ट्रैक्टरों को भी जोड़ा है। कस्टम हायरिंग सेंटर भी जोड़े गए हैं जिसमें मशीनरी जो होती है किसानों की वो भी जुड़ी हुई है, तो इसका भी लाभ मिलेगा। और इस तरह से मैं आपको कह सकता हूं कि किसानों के लिए आने वाले टाइम के अंदर एक कोल्ड चेन जिस तरह से वैल्यू एडिशन के आधार पर काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया। और मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आने वाले टाइम के अंदर किसानों के लिए किसान रेल भी चलेगी, जिसमें कृषि से जुड़े हुए उत्पादन होंगे उन्हीं को लेकर एक शहर से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो समय पर हमारी फल सब्जी और जो कृषि से जुड़े हुए उत्पादन है वो समय पर पहुंचेंगे और सस्ते भी वहां पर पहुंचेंगे। ये एक किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। और आज जिस तरह से कोरोना की महामारी है, इस कोरोना की महामारी के अंदर जहां विश्व पूरा चिंतित है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर सही लॉकडाउन का निर्णय लिया, जिसकी वजह से आज विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत के अंदर इतने केस कम होने के अगर कोई कारण है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सही समय पर सही निर्णय लिया गया। लेकिन इस दौरान एक किसान ऐसा था जो खेत के अंदर खड़ा था, किसान की खेत की फसल जो है वो उसके खेत में पड़ी थी, काटने का समय था, लॉकडाउन लग चुका था, तो ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि हमारे किसानों के लिए ये फसल काटना जरूरी है। और ऐसे समय के अंदर मैं भी सोच रहा था कि ये फसल का क्या होगा, तो ऐसे समय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और कहा कि किसानों के जो मजदूर हैं उनको छूट दी जाए, और एक एडवाइजरी जारी करके और ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय यहां से लिए कि किसानों की फसल समय पर कटे, जिसके लिए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए मजदूरों को छूट दी गई, मशीनरी जो काटने की उस समय काम आती थी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे में जिले में जाने की छूट दी गई, वहीं जो कृषि से जुड़े उत्पादन थे फल सब्जी या अन्य उत्पादन, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में या अन्य स्थानों पर ट्रांसपोर्टेशन करने की भी छूट दी गई। तो ये ऐसे कई निर्णयों में खाद बीज की छूट रखी गई और उनकी दुकानें खुली रखने का आदेश किया गया, और साथ ही किसानों के लिए जो ऋण जमा करवाना था 1 मार्च को, तो उसको भी हमने 31 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ाया, और जिसकी वजह से आज 4,000 करोड़ है जो किसानों को ब्याज का सीधा इसमें लाभ मिला है। वहीं किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण 4 चीजें होती है कि एक तो किसान का कम लागत हो और उसके भंडारण की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म का बीज मिले और मार्केट अवेलेबल हो। इस दिशा के अंदर भारत सरकार काम कर रही है और इस लॉकडाउन के दौरान लगभग आपने देखा होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, उसके अंदर लगभग 3.5 लाख करोड़ का पैकेज कृषि के क्षेत्र में खर्च होगा, वहीं 1 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज जो होगा वो किसानों के लिए आने वाले समय में वैल्यू एडिशन और कोल्ड चेन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो काम होगा, जिसमें किसानों को उस 1 लाख करोड़ के जो पैकेज की घोषणा हुई है उसमें किसानों की जब फसल बुआई के समय में जो उपकरणों की आवश्यकता होती है उसके ऊपर खर्च होगा, और उसके बाद में जब आउटपुट होगा तो उस समय किसान की जो फसल कटाई जाएगी उस समय भी उसके ऊपर खर्च होगा,
इसके अलावा किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, और जिस तरह से उनके लिए कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, या उनके रिफर वैन की आवश्यकता है, तो ऐसे उपकरणों की आवश्यकता होगी, इसके ऊपर भी खर्च होगा। और सप्लाई चेन और वैल्यू एडिशन के ऊपर इसका महत्वपूर्ण खर्च किया जाने वाला ये पैसा होगा, जो किसानों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला होगा। इस तरह से देश के किसानों के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं इस अवसर पर यह कह सकता हूं कि हम सब मिलेंगे तभी किसान आत्मनिर्भर बनेगा। जब गांव मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। और इस पवित्र काम के लिए हमारे ब्रह्मा कुमारी के सभी जो भाई है वो भी लगे हुए हैं, भारत सरकार भी लगी हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी लक्ष्य लिया है कि किसानों को मजबूत करना होगा। ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना है हमारी, उसको हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे समय के अंदर मैं ब्रह्मा कुमारी को, जो विश्वविद्यालय के सभी भाइयों को और सभी हमारी बहनों दीदियों को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी एक पवित्र काम के अंदर लगे हुए हो। और आज इस अवसर पर मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि दीदी गुलजार जी और रतन मोहिनी के स्वस्थ जीवन की कामना शिव बाबा से करता हूँ, साथ ही साथ राजू भाई, सुमंत भाई, शशिकांत भाई को इस अभियान के लिए धन्यवाद, जो ऑनलाइन किसानों को जागृत कर रहे हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए ओम शांति